स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा एक और भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। साथियों, राजस्थान में जैसे मानसून चालू हो गया भर्तियों का, तो साथियों एक और नई भर्ती का नोटिस है वो जारी हुआ है। चंदौली के द्वारा ये भर्ती है वो निकल गई है। और इसमें साथियों महत्वपूर्ण सूचना ये है कि साथियों जिन्होंने कोविड में काम किया है उनको इस भर्ती में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले जिन्होंने कोविड में काम किया है उनको इस भर्ती में लिया जाएगा। साथियों NHM के द्वारा ये भर्ती रहने वाली है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, टेलीग्राम CEO गिरफ्तार होने के कारण सूचना आ रही है कि टेलीग्राम में वो जल्दी बैन होने वाला है। तो साथियों, हमने नर्सिंग एम नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम बंद हो गया तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी भर्तियों से संबंधित PDF है वो हम अपने टेलीग्राम की जगह व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। अगर टेलीग्राम बंद नहीं होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है तो आपके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया है, वो भी नर्सिंग एम नाम से है जिसका लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दिया है। तो वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप अपने सपनों की उड़ान है वो जारी रख सकें, जो भी PDF है वो समय पर प्राप्त कर सकें, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। साथियों, कभी कभी होता है कि यूट्यूब पर हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन अपने साथियों को शेयर करें। तो साथियों, NHM के द्वारा ये भर्ती होने वाली है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा CMHO के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चांदौली 21/8 की अपडेट है। कार्यालय ज्ञापन NHM ये भर्ती क्रमांक है। उपयुक्त विषयगत अवगत करना है कि जिला स्वास्थ्य समिति चंदौली के निर्णय के क्रम में निम्न पदों पर कोविड कार्मिकों को वार्ता के आधार पर नियुक्त किया जाना है, जिस हेतु साक्षात 28/8/2024 को पूर्व 10 बजे से जिला अधिकारी कार्यालय चंदौली के सभागार कक्ष में किया जाना निर्धारित है। पदों का विवरण निम्न है। साथियों, इसमें जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जाएगी और वॉक इन इंटरव्यू पे ये भर्ती होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड में काम करने वालों को इसमें पहला मौका दिया जाएगा। 28/8 को सुबह 10 बजे इंटरव्यू रहेगा जिला अधिकारी कार्यालय चंदौली में सभागार कक्ष में। पोस्टें साथियों, चाइल्ड हेल्थ की पोस्ट रहेगी जिसमें पोस्ट का नाम क्लीनिंग स्टाफ SU वार्ड आया या क्लीनर NRC पार्ट टाइम स्वीपर स्टोर QAC NU HM स्पोर्ट सपोर्ट स्टाफ हेल्प डेस्क मैनेजर NU HM HW गार्ड सपोर्ट स्टाफ क्लीनिंग स्टाफ। तो सैलरी साथियों, इसमें सैलरी है वो ये रखी गई है, सैलरी पर मंथ है चाइल्ड हेल्थ वालों के लिए 9,500, EPF 13%, 2470, ESI आपकी 3.25%, 618 और क्वालिफिकेशन इसमें एट पास्ट। और साथियों, वार्ड आया या क्लीनर NRC के लिए एक पोस्ट है, सैलरी है 9,500, EPF 1235, ESI 309, 8 पास। QA के लिए हेल्प डेस्क मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, 16,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, ESI 520। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट सेक्टर, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ रिटन एंड ओरल, कंप्यूटर पोटेंशियली बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एजेंसी कम्युनिकेशन स्किल परफॉर्मेंस ऑफ चंदौली डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। एज लिमिट साथियों, SC ST में एज की रिलैक्स है, बाकी एज है वो 40 वर्ष रखी गई है। QAC के लिए NU HM सपोर्ट स्टाफ की है, इसमें कम से कम 8 पास होना चाहिए। NU HM SW की क्लीनिंग स्टाफ गार्ड सपोर्टिंग स्टाफ की 4 पोस्टें हैं, सैलरी ये रहेगी
और ईपीएफ और ईएसआई साथियों, 10th पास रखी गई है। गार्ड या सपोर्ट स्टाफ के लिए तो जिला स्वास्थ्य समिति चंदौली के अंतर्गत पूर्व में कार्यरत इच्छुक कोविड कार्मिकों अपने मूल प्रमाण पत्रों व एक सेट मूल दस्तावेज पत्रों की छाया प्रति दो पासपोर्ट साइज फोटो एक आधार कार्ड के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित साक्षात्कार कमेटी के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। तो साथियों, अपने मूल डॉक्यूमेंट जिसका एक सेट आपको तैयार करना है, उनकी फोटो दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड आपको जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जो वॉक इन एंट्री होगा वहाँ पे आपको उपस्थित होना है। उक्त साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का TDA नहीं दिया जाएगा। साथियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंदौली, तो CMHO के द्वारा ये अपडेट है साथियों। तो जो इच्छुक कैंडिडेट है वो बन जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एड्रेस हमने ये बता दिया है, यहाँ पे आपको जाना है। तो साथियों, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक भर्ती की अपडेट दी, जिनमें कोविड स्टाफ को इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जा रही है। तो इच्छुक कैंडिडेट है वो भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के प्राप्त फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन उस कॉल कर जैसे ही कोई अपडेट डाले तो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं इसी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो साथ। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।